अपनी पढ़ाई के साथ साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और सेवा करना चाहती हूँ ब्रजवासियों की। मतलब मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना चाहती, मैं कृष्णा को, श्रील प्रभुपाद को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति बड़ी चित्र विचित्र है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इन्हें ब्रज की भक्ति ने अपनी ओर कैसे खींच लिया, आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? देवहूति। देवहूति जी, ये बताइए कितनी पढ़ाई की है और भक्ति कैसे करती हैं आप? अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में आई, मैं अभी 12th में पढ़ रही हूँ। मैं हमेशा 16 राउंड स्टैंड करती हूँ जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला, और सब रूल रेगुलेशन फॉलो करती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं, ब्रज में कैसे आ गई आप? सूरत, गुजरात। मैं गुजरात से हूँ और ब्रज में मेरी फैमिली 30 ईयर्स से इस्कॉन में है, और मुझे अभी लॉकडाउन आया उसमें धीरे धीरे भक्ति, यू नो, कृष्ण कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे हुआ, आपने शुरुआत कैसे कर दी लॉकडाउन के दौरान? मैं पहले भजन सुनती थी, बाद में ऐसे भजन सुनते सुनते बाद में मैंने चैंटिंग स्टार्ट की, और फिर सब रूल्स प्रभुपाद के फॉलो करना शुरू किए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक से, यू नो, मेरा सब देख देख के वृंदावन में आने का मन हुआ, और मैंने बहुत ट्राई की, फिर फाइनली मैं 1 month के लिए वृंदावन रही दिवाली पे, कार्तिक मंथ में, और फिर अभी आती रहती हूँ। पढ़ाई भी करती हैं साथ में इसके? हाँ, यस, पढ़ाई शुरू है। तो पढ़ाई कब करती हैं और भक्ति कब करती हैं? यो स्कूल जाने से पहले मैं अपने 16 राउंड्स ख़त्म कर देती हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद की बुक्स, और फिर कंटिन्यू होता है मेरा पढ़ने का शेड्यूल। तो जब स्कूल से आती हैं तब उसके बाद भी भक्ति, पढ़ाई, सब कुछ रहता है? हाँ, सब कुछ कंटिन्यू रहता है, यू नो, सब टाइम टेबल बना रखा है। क्या टाइम टेबल बना रखा है? सुबह मैं हर रोज 4 o'clock को उठती हूँ, फिर अपनी चैंटिंग कंटिन्यू करती हूँ, मंगला आरती के दर्शन करती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ। स्कूल से आने के बाद 1 hour और ऐसा ब्रेक रहता है, फिर से प्रभुपाद के लेक्चर और बुक पढ़ती हूँ, और फिर ट्यूशन और जो एक्स्ट्रा वर्क रहता है वो करती हूँ। आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि भक्ति क्यों कर रही हो, तुम तो अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कहा? नहीं, उन्होंने बोला आप भक्ति भी करो और पढ़ाई भी करो। पढ़ाई के साथ भक्ति भी बहुत जरूरी है। यस, ये भक्ति होगी तो पढ़ाई, मतलब, यू नो, इट्स बैलेंसिंग होएगा। मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट बनेगा भक्ति करने से, जो भी उसका वर्क है उसके साथ भक्ति तो होनी चाहिए। आप भगवान को क्या मानती है, किस रूप में आप पूजा करती हैं लॉर्ड कृष्णा को? द सुप्रीम कंट्रोलर। मतलब ही इज एवरीथिंग फॉर मी। आपके लिए सब कुछ यही है? हाँ, उनकी वजह से तो है सब। आप जब अपने स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, चंदन लगा के जाती हो वहाँ पर? हाँ जी, चंदन लगा के हर रोज। तो वहाँ पर स्कूल में आप कोई टोकता नहीं है, कोई मजाक नहीं उड़ाता आपका? नहीं, ऐसे टोकते नहीं है, पर पूछते हैं ये क्या किया है वैसे किसी ने, और वैसे प्रभुपाद की कृपा से सब जगह प्रचार होता है, इसलिए उनको पता चल ही जाता है कि ये इस्कॉन वाले है। तो क्या बताया आपने इस तिलक के बारे में? मैं बताती हूँ, ये गोपी चंदन है, और अब तो मेरे स्कूल में भी वो बोलते हैं कि उन्हें भी करना है तिलक, और 2-3 जने ने तो चैंट करना भी शुरू कर दिया। आपको देखकर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया? हाँ। ड्रेस क्या होती है आपकी, यही गोपी ड्रेस होती है? नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म अलग होता है।
पर मैं गोपी चंदन कभी नहीं हटाती, हमेशा लगा के जाती हैं। हाँ जी। जब आप ये ड्रेस पहनती हैं तो कैसा लगता है? और लोग तो अलग ड्रेस पहनते हैं, मतलब आपकी उम्र के बच्चे। हाँ, आई फील वेरी गुड। मतलब वो लोग भले ही वो ड्रेस पहने, उन्हें पहले अच्छा लगे, पर वो एक्चुअली में सेटिस्फाइंग नहीं होता। और ये हमारी वैदिक मतलब तीनों ड्रेस है जो सब हर किसी को पहननी चाहिए। ये जब भी आप करती हैं जे माला ले जाती हैं साथ में अपने जब स्कूल जाती हैं तो? माला मेरे साथ होती है बैग में, पर मैं करती नहीं स्कूल पे। हाँ, हमेशा बैग में रख के जरूर ले जाती हैं। हाँ, बैग में रख के जरूर ले जाती हैं। जब मौका लगता है तो कब करती हैं? जब नहीं, एक्चुअली स्कूल में हो नहीं पाती, पर माला ले जरूर जाते हैं। और आप जब गुजरात में रहती हैं तो यही ड्रेस पहनती हैं जो वृंदावन में आपने पहन रखी है? यस, हाँ जी, वही पहनती हूँ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी उम्र के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं ट्वेल्थ में? उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो भी करना चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। आप जैसे बता रही थी आप भगवान के भजन सुनती थी, उसके बाद आपको लगन लग गई ब्रज की, और कोई भजन याद है आपको जो सुना सकें? जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। और ये बताइए, आपने ट्वेल्थ में आई है, ट्वेल्थ पास करने के बाद क्या करने का विचार है, आगे क्या करेंगे आप? ओके, MBBS करने का, मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग MBBS। डॉक्टर बनने की क्यों सोचा है आपने? सेवा करना चाहती हूँ ब्रजवासियों की। एक्चुअली मेरे को पढ़ाई करने के बाद इधर ही रहना है, वृंदावन में रहने आना है, और इधर सेवा करनी है। किन लोगों की सेवा करनी है आपको? ब्रजवासियों की सेवा करेंगी डॉक्टर बनने के बाद? हाँ जी। तो जब आप सेवा करेंगी तो आपको मन को कैसा लगेगा आपको? मतलब मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना चाहती, मैं कृष्णा को श्रील प्रभुपाद को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। जिस कारण से आप यहाँ पर सेवा करेंगे डॉक्टर? हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त, इनका कहना है कि गुजरात से यहाँ पर आई थी, लॉकडाउन में भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनती थी, भजन सुनने के बाद ऐसी लगन लगी कि ब्रज में यहाँ पर आए दिन आती रहती हैं, भगवान के भजन करती हैं, और फिर पढ़ाई के दौरान दोबारा से गुजरात पहुंच जाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन जब पढ़ाई जब इनकी पूरी हो जाएगी, इनकी इच्छा है कि मैं MBBS करके डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनने के बाद ब्रजवासियों की सेवा करूं। राधे राधे।